इंडिया न्यूज 28 में आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के ससराम में गोलियों की तड़तड़ाहट से सहमा शिवसागर थाना क्षेत्र का सोनहर गांव। बीती रात शिवसागर थाना क्षेत्र के सोनहर गांव में दो पक्षों के बीच लड़की के छेड़छाड़ के विरुद्ध चली दो गुटों के बीच गोलियां, जहां एक पोस्ट के द्वारा लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरे पक्ष के द्वारा खेलने के लिए हुए विवाद को बताया जा रहा है। दोनों पक्ष से लगभग 15 से 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना बीती रात लगभग 7 बजे सोनहर गांव में घटी। पहले पक्ष के द्वारा लड़की से छेड़छाड़ का मामला बताया जा रहा है। उस पक्ष में लगभग 12 लोगों को गोलियां लगी, जिनका इलाज शिवसागर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराने के बाद बेहतर इलाज के लिए सासाराम सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया। सासाराम सदर हॉस्पिटल से भी गंभीर रूप से गोली से घायल नरेंद्र पांडे, देवेंद्र पांडे, अनीश पांडे, श्रीनिवास पांडे, ओमकार पांडे, संतोष पांडे, संतोष दुबे, प्रेम शंकर दुबे एवं नारद पांडे को सासाराम सदर अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष, जिनके द्वारा विवाद का कारण खेल को बताया जा रहा है, उस पक्ष से भी कुछ लोग घायल हुए, जिनमें राम उदय सिंह, पवन सिंह, धनंजय सिंह, चंदन कुमार सिंह हैं, जिनका शिवसागर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसमें किसी भी व्यक्ति के मरने की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन के द्वारा FIR दर्ज कर छानबीन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। सासाराम संवाददाता विपिन बिहारी तिवारी की रिपोर्ट।